कैसे आप सब? आई होप कि आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाए। तो आज हम आए हैं तेर में और अभी फिलहाल हम हैं संतो गोरोबा काका के मंदिर में। तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा ठंडा है। जब आप अंदर आओगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना अलग है। तो बेसिकली पूरा मंदिर जो बनाया गया है लकड़ी का है, सो दैट्स व्हाई ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और बाहर आप गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए आज देखते हैं हम संत गोरोबा काका का मंदिर और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है देर में। तो चलिए मेरे साथ मंदिर देखने के लिए। संत गुरुबा काका का मंदिर जो तेर में है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का है। क्योंकि वहां पर अभी भी डेवलपमेंट का काम शुरू है तो आप इजीली चले जा सकते हो, बट वहां पर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि आप देख सकते हो। तो बेसिकली छोटा सा गांव है और छोटा सा मंदिर है, बट यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही अलग लेवल का है। अगर आप मंदिर के बाहर खड़े रहोगे तो इतनी ज़्यादा कड़ी धूप लगेगी कि आप जल जाओगे पूरी तरह। लिटरली मेरी स्किन पूरी जल गई है मैं जब यहाँ पर गई थी। बट अगर आप मंदिर के अंदर जाओ इतना ठंडा है, लाइक आप एसी में बैठे हो एक रूम में ऐसा लगता है। तो मंदिर इतना ज़्यादा ठंडा और खूबसूरत है। तो अंदर जाते ही आपको इंस्टेंटली वो पता चल जाता है कि मंदिर कैसा है। तो यहाँ पर बेसिकली दो मंदिर है, एक गुरोबा काका का मंदिर है और दूसरा जो मंदिर है वो शिव का है। बेसिकली स्टोरी ये है कि यहाँ पर जो शिव का मंदिर है वो सबसे पहले था, जो कि गुरुबा काका उनकी पूजा करते थे, तो दैट्स वाई वो मंदिर पहले था। उसके बाद ये मंदिर लोगों ने बनाया है उनके नाम से, तो दैट्स वाई ये उसी के नाम से फेमस हो चुका है। तो अभी आपको जो दिख रहा है ये मंदिर का पीछे वाला भाग है जो ऐसा दिखता है, और यहाँ पर भी एक मूर्ति है विष्णु की। तो अभी हम पूरा मंदिर घूम रहे हैं फिलहाल, तो आप देख सकते हैं ऐसा मंदिर है ये। तो ये नीलकंठेश्वर मंदिर गुरुबा काका के मंदिर के एग्जैक्टली पीछे है और यहाँ पर एक शिवलिंग है। तो इस मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग है और ये मंदिर सबसे पहला है। ये गुरुबा काका का मंदिर भी नहीं था तब, ये मंदिर था जो गुरुबा काका ने पूजा की थी वो इस शिवलिंग की है। तो आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए। और हमारे सामने ही इधर नदी पात्र है, तेरना नदी पात्र। तो आपको जो ये पानी दिख रहा है ये है तेरना नदी का पात्र। तो यहाँ पर लोग नीचे जाते हैं और नहाते भी है। तो फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पर क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर मत आओ। बंद हो रहा। अभी हमारा गुरुबा काका का दर्शन हो चुका है, तो अभी हम जाने वाले हैं शिव के मंदिर में जो कि इसके बाजू में ही है एग्जैक्टली। तो हम आप वहाँ पर जाने वाले हैं। तो शिव मंदिर का भी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है गोरोबा काका के मंदिर की तरह ही, बट यहाँ पर जो शिवलिंग की मूर्ति है वो बहुत पीछे है, दिखती नहीं इजीली, और वहाँ पर बहुत सारे लॉक्स भी कर दिया है तो आपको इजीली नहीं दिखेगा। बट यहाँ का जो शिवलिंग है उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। सो अगेन ये भी एसी की रूम की तरह ही लगता है। जैसे आप बाहर आते हो आपको गणपति की मूर्ति दिखती है, उसके बाजू में और तीन और चार मूर्तियाँ दिखती है, और आप सराउंडिंग एक राउंड लगाएंगे तो आपको बहुत सारे शिवलिंग दिखेंगे आजू बाजू में। तो ऐसा वहाँ का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये पहला मंदिर है वहाँ का, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं किया गया है। जो ज़्यादा कुछ बनाया गया है झूमर और लाइटिंग वो सब कुछ गुरुबा काका के मंदिर में है, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा नहीं अलग सा। और फिर जो इसका शिखर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है, सो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। का दर्शन करने के बाद हम गए गुरुबा काका के ओल्ड घर में जो कि एग्जैक्टली मंदिर की तरह ही माना जाता है। तो वहाँ पर गुरुबा काका की समाधि है ऐसा बोलते हैं। तो हम वहाँ पर भी गए और वो मंदिर एग्जैक्टली बहुत बड़ा था, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही लोग थे, सिर्फ कुछ पेड़ लगाए हुए थे और अंदर समाधि थी। वहाँ
वहां पर, और एक भगवान की मूर्ति। तो और अभी संत गोरोबा काका मंदिर का दर्शन हमने कर लिया, तो हम अभी आए हैं एग्जैक्टली मेन जो शहर है उसमें तेर में। तो आपको यहाँ पर आने पर पता चलेगा कि उनका जो घर है वो भी यहाँ पर ही है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं देखने के लिए। तो एग्जैक्टली मेरे पीछे आप देख सकते हो, तो उनकी समाधि है यहाँ पर। और इस एक छोटा सा मंदिर है, ये घर एक मंदिर की तरह ही सब लोग मानते हैं इसको। तो आप अगर कभी भी आ रहे हो तो यहाँ पर भी एक बार आ जाओ। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है जो वहाँ पर था, तो ये पूरा लकड़ी का है, आप देख सकते हो मेरे ऊपर, तो ये पूरा लकड़ी का बनाया गया है। और इतना ठंडा है यहाँ पर, और अगर आप बाहर गए तो इतना ज़्यादा धूप है, सो इसलिए ऐसे पहले घर बनाते थे सब लोग, बट यहाँ पर आप एक बार जरूर आना। तो अभी हमारा शिवलिंग का भी दर्शन हो चुका है और दूसरा मंदिर था उसका भी दर्शन हो चुका है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर भगवान के पास बैठ चुके हैं और फिर हम चलेंगे अपने रास्ते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, छोटा ही सा ही बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कोई इतना ज़्यादा इन्होंने डेवलप नहीं किया है, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मंदिर है ये तेर में। तो आप कभी आए तेर तो डेफिनेटली चेक आउट दिस। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।